हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की स्ट्रैटेजी के बारे में। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कैसे करें, लेवल 2, लेवल 3, 4, 5, 6 सबके बारे में एक ही वीडियो होगी, क्योंकि देखिए सारे लेवल जो भी हैं वो एक जैसे ही, लेवल 2, 3, 4, 5, 6 सभी के जो है ना एग्जाम पैटर्न वो बिल्कुल एक जैसा है, और जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी लगभग लगभग सेम ही है, बस 18-19 से फर्क है। तो ये टेंशन में ना रहे हैं कि लेवल 2 की तैयारी अलग होगी, 4 की अलग होगी, 5 की अलग, 6 की अलग, ऐसा कुछ नहीं है। सभी का लेवल ऑलमोस्ट सेम है, लेवल 2 और 3 दोनों मैंने भी दिए थे, और 4, 5, 6 का एक पेपर भी मैंने सॉल्व करके देखे थे, लगभग लगभग सेम ही लेवल था। एक दो क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको लग सकता है, ठीक है। तो डिटेल में हम बात करेंगे। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी आरआरबी एनटीपीसी के बारे में कि जून जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, रेलवे ने नोटिस निकाल दिया है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके इसका नोटिस जो है वो पढ़ सकते हैं कि रेलवे ने एक चार्ट निकालता है कब कब हम कौन से एग्जाम का फॉर्म जो है रिलीज करेंगे। रेलवे ने अभी अपने टेक्नीशियन का और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का फॉर्म रिलीज कर दिया, उसको भी आप फिल कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम अभिषेक पांडे और मैं सीजीएल 2022 से जीएसटी इंस्पेक्टर सिलेक्टेड हूँ। ये सब बताने के पीछे का लॉजिक ये होता है, कई लोग चैनल पर पहली बार जुड़ते हैं तो उनको भी लगता है, जैसे मेरे दिमाग में भी आता है कि अगर मैं किसी से स्ट्रैटेजी वीडियो वगैरह देख रहा हूँ कि कहाँ से पढ़ूँ क्या पढ़ूँ, तो उसको भी थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसने भी ये एग्जाम कभी फेस किया हो। तो मैंने भी आरआरबी एनटीपीसी का 2019 वाला एग्जाम दिया था, लेवल 2 और लेवल 3 दोनों ही मैंने क्वालिफाई करे थे, क्योंकि उस टाइम मेरी ग्रेजुएशन नहीं थी, तो 12th बेस पे लेवल 2 और लेवल 3 होते, दोनों मैंने क्वालिफाई करे थे, और लेवल 3 का कॉल लेटर भी मेरे पास आया था, बट मैंने इसे ज्वाइन नहीं किया था, मुझे दूसरी बढ़िया जॉब उससे मिल गई थी, ठीक है। तो ये मेरी जर्नी है पूरी, और अपने एक्सपीरियंस बेस पे मैं आज आपको अच्छे से गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम जो पैटर्न है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले आपका होगा टीयर 1, लेवल 2, 3, 4, 5, 6 सबके लिए सेम एक ही टीयर 1 होगा, एक ही पेपर देना है, चाहे आपने कितने भी लेवल का पेपर भरा हो, ठीक है, एक ही पेपर देंगे। उसमें आप लेवल 2 क्वालिफाई करके लेवल 3 क्वालिफाई नहीं कर पाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कट ऑफ अलग अलग जाएगी। लेवल 2 की कट ऑफ मान लो 70 नंबर है, लेवल 3 कट ऑफ 75 नंबर है, तो अगर आपके 72 नंबर आए तो आप लेवल 2 क्वालिफाई कर देंगे, लेवल 3 क्वालिफाई नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा होता है कि लेवल 5 की कट ऑफ गई 65 नंबर और लेवल 3 कट ऑफ गई 75 नंबर, तो आप लेवल 4 क्वालिफाई कर गए, 5 क्वालिफाई कर गए, लेवल 3 क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो एक ही पेपर होगा, चाहे आप लेवल 4, 5, 6 के लिए भरें सिर्फ, या फिर लेवल 2, 3 के लिए भरें। तो आप समझ सकते हैं लेवल 2, 3, 4 और 6 का जो एग्जाम पैटर्न है वो जब लगभग एक जैसा है। टीयर 1 तो सबका कॉमन ही है, बस कट ऑफ का डिफरेंस आएगा, उस हिसाब से आप कट ऑफ जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे। और यहाँ पे जोन के हिसाब से जो पेपर्स होते हैं कट ऑफ लगती है, जैसे एक है चंडीगढ़ जोन जहाँ से मैंने पेपर भरा था, क्योंकि दिल्ली चंडीगढ़ जोन के अंदर आता है, ठीक है। एक आपका भागलपुर जोन भी है, चेन्नई जोन भी है, काफ़ी सारे जोन है, मुंबई जोन, लगभग 27-28 जोन होंगे जितने रेलवे के जोन है, करेक्ट नंबर याद नहीं आ रहा है, सबकी कट ऑफ अलग अलग जाती है, ठीक है। तो कट ऑफ क्या थी पिछले साल की, पिछली बार जब वैकेंसी आई थी 2019 में, तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप टीयर 1 की कट ऑफ कितनी रहती है वो भी देख सकते हैं। एक रफ एस्टिमेशन बताऊँ तो 80% मार्क्स लाने की कोशिश आपको करनी है, 80+ नंबर लाएंगे आप तभी आप किसी भी जोन में, फिर तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन कई जोन बहुत ज़्यादा आसान है, कई जोन बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्वालिफाई करने, वो सब आपको कट ऑफ देखेंगे जो प्रीवियस ईयर की तभी पता चलेगा, ठीक है। वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। ये हुई टीयर 1 की बात। टीयर 1 कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। 3 सब्जेक्ट आपके आने हैं, जीके, रीजनिंग और मैथ, इसी ऑर्डर में आपको देखना है, क्योंकि जीके के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, उससे कम क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, सबसे कम क्वेश्चन आते हैं मैथ के, ठीक है। टीयर 1 क्वालिफाई करने के बाद आप जाएंगे टीयर 2 में, जिसको कहा जाता है CBT 2। CBT 2 में आके आपके डिफरेंस क्रिएट होते हैं, क्योंकि टीयर 1 जो हमने देखा वहाँ पर सभी लेवल्स के लिए एक ही पेपर हो रहा था कॉमन, और उसको क्वालिफाई करके आप टीयर 2 में जा रहे थे। लेकिन टीयर 2 में लेवल 2 के लिए अलग पेपर, लेवल 3 के लिए अलग, लेवल 4 के लिए अलग, 5 के लिए अलग और 6 के लिए अलग, सबके लिए अलग पेपर होगा। और यहाँ पे लेवल का डिफरेंस, पेपर लेवल का डिफरेंस, पेपर में कितनी डिफिकल्टी होगी, लेवल 2 का कम डिफिकल्ट, लेवल 3 का ज़्यादा डिफिकल्ट, 4 का उससे ज़्यादा डिफिकल्ट, ऐसा नहीं होगा, लगभग लगभग सेम सभी लेवल का पेपर आता है। 18-19 का फर्क आपको बस देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा कि बोलें आप सीधा कि लेवल 2 का पेपर बहुत आसान था, लेवल 5 का पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल था, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बहुत माइनर डिफरेंस आपको सभी पेपरों में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो टीयर 1 के जो मार्क्स है 100 में से आपके, उसका कोई भी इम्पैक्ट आपके फाइनल रिजल्ट पे नहीं पड़ता। टीयर 1 सिर्फ आपका टीयर 2 में जाने के लिए, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में है। टीयर 2 में जो आपके मार्क्स आएंगे उसी बेस पे आपको फाइनल जॉब मिलनी है। टीयर 2 के मार्क्स से आप क्वालिफाई कर गए, कट ऑफ क्लियर कर लिया आपने, तो आपका मेडिकल होगा, DV होगा, उसके बाद आपको फाइनल जो सिलेक्शन है, ज्वाइनिंग लेटर है, वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है एग्जाम का। अब हम बात करते हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी है, कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी है, और कौन से यूट्यूब चैनल से हम हेल्प लेके अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। एक चीज़ आप याद रखिएगा, सिर्फ रेलवे को मैंने भी टारगेट नहीं किया था, तो आप भी टारगेट मत करना। रेलवे प्लस SSC साथ में लेकर चला था, आप भी रेलवे प्लस SSC की तैयारी साथ में कर सकते हैं, या फिर रेलवे प्लस अपना स्टेट के एग्जाम कोई हो तो उसको भी साथ में लेकर चल सकते हैं, क्योंकि रेलवे काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, ये आपको पता होना चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी 2019 में फॉर्म आया था, 2023 में फाइनल सिलेक्शन मिला, 4 साल का टाइम पीरियड लग गया फॉर्म भरने से फाइनल सिलेक्शन लेने तक, ठीक है।
इन 4 सालों में बहुत कुछ हो सकता है। कई लोगों के पास इतना टाइम ही ना हो तैयारी करने का, तो आप रेलवे के साथ एसएससी की तैयारी भी करते रहें। तो उसी हिसाब से मैं अपनी स्ट्रेटजी वीडियो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी सिर्फ रेलवे की तैयारी नहीं करी, रेलवे के लिए अलग से बुक्स परचेज नहीं करी, एसएससी की बुक से ही मैंने रेलवे की तैयारी करी। तो कैसे करनी है तैयारी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स का सिलेबस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सेम चैप्टर्स टीयर वन में आएंगे और टीयर टू में भी आएंगे, कोई डिफरेंस टीयर वन टीयर टू में मैथ्स का नहीं होगा, लेवल लगभग मैथ्स के क्वेश्चंस का भी सेम ही रहेगा, ठीक है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कैसे आए थे, ठीक है, मैथ्स के। उसके लिए बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, इसमें आपको प्रीवियस ईयर के मैथ्स के क्वेश्चन भी दिख जाएंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई, साथ में PDF भी मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी प्रीवियस ईयर पेपर की। तो अगर आप बुक परचेज नहीं करना चाहते तो PDF से भी पढ़ सकते हैं। PDF में क्या होगा, डिटेल सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन बुक में आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप बिगिनर हैं तो बुक्स आपके लिए ज़्यादा यूजफुल रहेंगी। CBT 1 की बुक ले लीजिएगा, RRB NTPC की, CBT 1 मतलब टीयर 1 की, उससे आपको पता चल जाएगा किस टाइप के पेपर आए थे, GK किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, रीजनिंग किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, मैथ्स से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, ये पता लगाने के लिए मैथ्स कैसा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपको सिलेबस दिख रहा है जैसे, तो अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं तो मैं बता दूं जैसे परसेंटेज चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है, ये वीडियो आपको दिख रही होगी, इस वीडियो में मैंने फ्री लिंक दिया है। जैसे इस वीडियो को खोलेंगे आप तो मैंने बताया भी कहां से कैसे पढ़ना है आपको, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा इस वीडियो के, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, परसेंटेज चैप्टर का टीचर का नाम, वहां पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट वीडियो खुल जाएगी, परसेंटेज चैप्टर आप कंप्लीट कर लेना, नोट्स बना लेना, नोट्स बना के परसेंटेज चैप्टर की हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, उसके लिए किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, इसमें SSC के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब TCS के द्वारा पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने TCS नाम पे थोड़ा फोकस करा, वो क्यों करा, क्योंकि रेलवे एग्जाम और SSC एग्जाम दोनों ही TCS करवाता है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, वही दोनों एग्जाम बना रहा है, तो सेम क्वेश्चन दोनों में पूछे जाते हैं। SSC का क्वेश्चन और रेलवे क्वेश्चन लगभग सेम ही होते हैं, बट डिजिट्स का फर्क आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी आपके सामने मैं एग्जांपल हूँ, मैंने SSC की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक से ही प्रैक्टिस करी थी और वही क्वेश्चन डिट्टो रेलवे NTPC में पूछे गए थे, तो बेझिझक होकर आप उसी से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है बिगिनर्स के लिए, आपको इस वीडियो के में जाना है, इस वीडियो में लिंक्स मिल जाएंगे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस सभी को पढ़ने के, वहां से पढ़ें, एक चैप्टर पढ़ा, नोट्स बनाए और साथ में उसकी प्रैक्टिस कर ली किरण की SSC की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक से, ठीक है। साथ में आपने एक बुक खरीद ली जो टीयर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक है पूरी, इसमें GK रीजनिंग मैथ सब है, तो उसमें से आपको देखते चलेंगे साथ में कि हाँ भाई जैसा मैं पढ़ रहा हूँ वैसा ही पढ़ना है नहीं पढ़ना, अब मुझसे क्वेश्चन बनने चालू हुए नहीं हुए, आपको पता चलेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन रेलवे पूछता है, तो वो भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। बुक और PDF दोनों ही ऑप्शन है, बुक परचेज ना करके आप PDF से भी देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप थोड़े पुराने खिलाड़ी हैं तो PDF आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन नए लोगों के लिए क्या होता है ना, उनको सोल्यूशन की जरूरत होती है, तो बुक परचेज कर सकते हैं। ये होगी मैथ्स की बात, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की, रीजनिंग की तैयारी कैसे करनी है। रीजनिंग में देखो सिलेबस फिर से मैंने पूरा लिख दिया, यही चैप्टर्स आएंगे, यही टीयर 1 का हाल है, यही टीयर 2 का हाल है, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग भी यहाँ पे आती है, एनालिटिकल रीजनिंग क्या होती है, जैसे डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन हो गए, स्टेटमेंट असम्पशन वो कहते हैं ना, स्टेटमेंट वो कहते हैं निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे कन्फर्म नहीं है, डाटा स्टेटमेंट कंक्लूजन स्टेटमेंट असम्पशन, ये वाले क्वेश्चन रेलवे काफ़ी पूछता है टीयर 1 टीयर 2 में भी, तो इन पर भी आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। ये रीजनिंग का पूरा सिलेबस है, कहाँ से कंप्लीट करना है उसके लिए भी एक वीडियो बना रखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है आपको, डायरेक्ट लिंक पे जाके आप पूरा सिलेबस फ्री में यूट्यूब से कर सकते हैं। वही टीचर्स हैं जिनसे मैंने कंप्लीट करा था और मुझे हेल्प मिली थी, वही टीचर्स मैंने आपको इन वीडियोज़ के थ्रू बता रखे हैं, आप फ्री में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। मैथ्स का मैंने बताया, वैसे ही रीजनिंग का ही पूरा बता दिया और सारे चैप्टर्स भी बता दिए, आप इनको लिख के रख लीजिएगा, टिक मारते चलिएगा, हाँ एक चैप्टर कंप्लीट, दो चैप्टर कंप्लीट। रीजनिंग सबसे आसान सब्जेक्ट है, इसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम रीजनिंग की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए जो सबसे बढ़िया जो सोर्स है ना, वो है जो मैंने आपको पेपर से PDF दी है, RRB NTPC 2019 में जो एग्जाम हुआ उसमें टीयर 1 में 131 पेपर हुए, उन 131 पेपर में इतनी सारी रीजनिंग पूछी गई है, अगर आप उनको अच्छे सॉल्व कर लेना तो रीजनिंग आपकी एकदम परफेक्ट हो जाएगी और आपको पता भी चलता रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन रेलवे पूछता है। तो एक तो तरीका ये है जो मैंने आपको PDF दी है, उनमें जैसे दो पेपर क्वेश्चन पेपर थे, दो क्वेश्चन पेपर आपने एक दिन में सॉल्व करें, मतलब रीजनिंग का सेट खाली सॉल्व करा उनका, ठीक है। तो रीजनिंग के लगभग मान लो 60 क्वेश्चन आपके एक दिन में हो गई प्रैक्टिस, तो आपके मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए, सारे चैप्टर जो आपने पढ़ रखे थे टीचर से उनकी प्रैक्टिस भी आपकी होती रही, तो एक तो तरीका ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, कई लोग बोलेंगे PDF से पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, समझ में नहीं आता, तो वो लोगों के लिए जो मैंने पहले बुक बोली ना कि किरण की बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, उनमें रीजनिंग के सेट होंगे उन्हें देख लीजिएगा, उसमें आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको करना क्या है बस, जैसे अगर 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आप सॉल्व कर रहे हैं तो 25 मिनट के अंदर अंदर होने चाहिए, टाइम के साथ आपको सॉल्व करना है, और जब आप क्वेश्चन पर सॉल्व करें उसके बाद देखिए कौन सा चैप्टर वीक चल रहा है, जो चैप्टर वीक चल रहा है उसको जिस टीचर से आपने पढ़ा था उसकी वीडियो एक बार दोबारा देखें, ताकि जो कॉन्सेप्ट हैं जो वीक हो रहे हैं वो समझ में आए, ठीक है। और उनकी अलग से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं,
काफ़ी सारी किरण पब्लिकेशन की जो बुक हैं रीजनिंग की, उसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे रखा है, वहाँ से किरण की बुक डाउनलोड कर लेना पीडीएफ। वो चैप्टर जो आपका वीक चल रहा है रीजनिंग में, उसकी अलग से प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये तरीका रीजनिंग के लिए, रीजनिंग को आप अपने दिमाग में लगा के चलो बहुत आसान सब्जेक्ट है, ज़्यादा मेहनत रीजनिंग में नहीं करनी पड़ेगी, जो बताया मैंने आपको टीचर से पढ़ लो अच्छे से और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते रहो टाइमर के साथ, बस इतना ही बहुत है, रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। लास्ट बात करते हैं अपनी जीके जीएस के बारे में, थोड़ा बाहर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ तो आवाज़ वगैरह अच्छा इशू हो सकता है, उसे थोड़ा आप इग्नोर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगा आवाज़ वगैरह तो क्लैरिटी वगैरह थोड़ी ज़्यादा सही है। तो जीके जीएस के लिए क्या होगा, जीके जीएस के सबसे बेस्ट जो लगता है मुझे वो है लूसेंट की बुक। लूसेंट की बुक देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, जिस मीडियम में आप पढ़ते हैं उस मीडियम में ले सकते हैं। इससे आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये छः चीज़ें आराम से अच्छे से कर सकते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये छः चीज़ें मैंने भी लूसेंट से ही करी थी अल्टीमेटली, ठीक है। हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे से दे रखा है, उसके बाहर आपको जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जैसे पॉलिटी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लोगों को लगता है साइंस की वेटेज आरआरबी एनटीपीसी ज़्यादा होगी, तो बिल्कुल नहीं है। आरआरबी एनटीपीसी में उतनी साइंस पूछी जा रही है जितनी एसएससी पूछते हैं, बहुत कम, दो चार क्वेश्चन मिल जाएंगे जीके के, जीके में साइंस के, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन उनको छोड़ना नहीं है, उनकी भी तैयारी अच्छे से करनी है। अगर आप लूसेंट से पढ़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ पा रहे हैं आपको किसी टीचर से पढ़ना है तो ये देखिए ये वीडियो बना रखी है, इस वीडियो में बता रखा है कौन कौन से टीचर से आप जीके का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, तो इनकी भी हेल्प आप ले सकते हैं। लेकिन कोशिश ही करनी है कि लूसेंट से ही पढ़ें। अगर हिस्ट्री अगर आपको लूसेंट समझ में आ रही है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं तो वहीं से पढ़ें। लेकिन अगर आपको लग रहा है जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी समझ में नहीं आती लूसेंट से कई लोगों को, मुझे भी पहले नहीं आई थी, तो मैंने इस वीडियो की हेल्प ली थी, इस वीडियो में बता रखा है किस टीचर से आपको बायोलॉजी पढ़नी है, किस टीचर से फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ये तरीका है जीके के जो कोर्स सब्जेक्ट है उनको पढ़ने का। इसके अलावा स्टैटिक जीके पढ़नी होती थोड़ी बहुत, जैसे डांसेस वगैरह, और डांसेस होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कई सारी चीज़ें हैं स्टडी जीके में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। उसके लिए मैंने आपको एक ही बुक बताई हमेशा, गॉडफादर नाम की बुक आती है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई है नियॉन पब्लिकेशन की, यहाँ पे दिखा भी दूंगा आपको। इसकी फ्री पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, उसको डाउनलोड करके वहाँ से आप स्टैटिक जीके कंप्लीट कर सकते हैं। आपको मिल जाएंगे कई सारी चीज़ें, जैसे आपको 6-7 टॉपिक्स होते हैं स्टैटिक जीके के, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इन चीज़ों को खाली कंप्लीट कर लें इस बुक से, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया स्ट्रैटी जीके भी, और साथ में मैंने आपको बता दिया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के भी तीनों पार्ट बता दिए। साइंस को कई लोग समझते हैं कि रेलवे में बहुत ज़्यादा साइंस आती है, आरआरबी एनटीपीसी में इतनी ज़्यादा साइंस नहीं आती है, ग्रुप डी में हाँ साइंस ज़्यादा आती है, टेक्नीशियन में साइंस ज़्यादा आती होगी, लेकिन आरआरबी एनटीपीसी में साइंस बहुत कम आती है, साइंस पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स भी जीके का पार्ट है। करंट अफेयर कितनी करें, करंट अफेयर्स का देखिए यहाँ पर भी ऐसा ही है, बहुत एक साल पुरानी, दो साल पुरानी पूछ लेते हैं, क्योंकि जब एनटीपीसी 2019 का एग्जाम हुआ था तो 2019 का फॉर्म था और 2021 में टीयर वन हुआ था जाके, तो एक एक साल पुरानी करंट अफेयर वो लोग पूछ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि मैं 6 महीने से 8 महीने करंट अफेयर तो कम से कम करके जाऊँ अच्छे से, ठीक है। अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप एक साल ही करंट अफेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। एक साल मैक्सिमम पीरियड है और कम से कम पीरियड कितना है, 6 महीने, ठीक है। तो ये हो गया करंट अफेयर की बात। जैसे एग्जाम मान लो दिसंबर 2024 में होगा, तो जून 2024 से दिसंबर 2024 तक की करंट अफेयर आपको कर लेनी है। तो करंट अफेयर के साथ मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि जीके की तैयारी आपको कैसे करनी है। जीके में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखते हो चलना है आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, तो उसके लिए मार्केट से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक बुक लेकर आनी होगी, उस बुक का नाम क्या बताऊँ मैं, किरण पब्लिकेशन की भी शायद वैसी बुक आती हो या फिर कोई और पब्लिकेशन की भी आती हो, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली नहीं ली थी। एक ऐसी बुक देख लेना जिसमें हिस्ट्री के सारे आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन एक साथ दे रखे हों, केमिस्ट्री के एक साथ दे रखे हों, पॉलिटिक्स के, पॉलिटी के एक साथ दे रखे हों, ज्योग्राफी के एक साथ दे रखे हों। अगर आपको ऐसी बुक मिल जाए तो उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्या करेंगे आप, हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन डेली पढ़ते रहेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि लूसेंट में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या मुझे मार्क करना है, ठीक है। ऐसी बुक मार्केट में आती होगी, जो रेलवे में लगे होंगे कई लोग कैंडिडेट, उनको भी पता भी होगा, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर कर दूंगा। बाकी आप एक काम कर सकते हो जो मैंने करा था, मैंने पीडीएफ से हेल्प ले ली थी, पीडीएफ को मैं पढ़ता था, जो आरआरबी एनटीपीसी 2019 के टीयर वन के सारे पेपर्स थे उनको मैं पढ़ता रहता था, उनके जीके के सेट पढ़ते टाइम मैं करंट अफेयर वाला पार्ट हटा देता था, बाकी पूरा पार्ट सॉल्व कर लेता था। उसमें मुझे आइडिया लग जाता कि हिस्ट्री किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं लोग, पॉलिटी के किस टाइप के क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं, भूगोल से किस टाइप के क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं, साइंस से किस टाइप के क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं, तो उसका आइडिया लगता रहता था। एक तरीका है पीडीएफ से, वरना एक ऐसी बुक मार्केट से परचेज कर लें जिसमें सारे क्वेश्चन एक साथ दे रखे हों, जिससे मेहनत आपकी बच जाए और आप सीधे टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ते हो चले। तो ये तरीका भी साथ में आप फॉलो करेंगे जीके का, तो जीके में बहुत मार्क्स आपके बूस्ट हो जाएंगे। एक और एडवाइस दूंगा, जीके जैसी एसएससी में आती है उससे बहुत ही हल्की जीके रेलवे में पूछी जाती है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। रेलवे की जीके में बहुत अच्छा स्कोर कर पाया था, तभी मेरा
120 में से 98 मार्क्स मेरे लेवल 3 में बन गए थे और लेवल 2 में मेरे 94 पॉइंट समथिंग मार्क्स बने थे लेवल 2 के टीयर 2 कल वाले पेपर में। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जीके यहाँ की आसान थी। जैसा हम एसएससी में देखते हैं जीके बहुत टिपिकल आती है, बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि हवाई नहीं लगती कैसे क्वेश्चन है कहाँ से आए हैं, वैसी जीके रेलवे में नहीं आती। रेलवे की जीके कंपैरेटिवली आसान होती है, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बस थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। लूसेंट बुक पे विश्वास रखें, उसे 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ें, रट्टा मारने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। तो ये पूरा था आज की वीडियो में, आई होप मैंने सारे डाउट्स आपको क्लियर कर दूंगे। भाई कोई भी डाउट आपका रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं आप। थोड़ा मैं घर से दूर हूँ अभी, ठीक है, चेन्नई में बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा वीडियो बनाते रहने में दिक्कत होती है, इसलिए वॉइस वगैरह का यूज़ थोड़ा बहुत हो सकता है, प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।